बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने फ्लो डेटा टाइप की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम करेक्टर डेटा टाइप क्या होती है, क्यों यूज की जाती है और किस तरह से डिक्लेयर की जाती है, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, करेक्टर डेटा टाइप से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि करेक्टर क्या होता है। दोस्तों, वो तमाम सिंबल्स जो कि आपको कीबोर्ड पर नजर आ रहे हैं वो कहलाते हैं करेक्टर्स, और इन करेक्टर्स को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए जिस डाटा टाइप को यूज किया जाता है वो डाटा टाइप कहलाती है करेक्टर डाटा टाइप। और ये देखिए, द करेक्टर डाटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट अ लेटर, नंबर और सिंबल्स। यानी ये जो करेक्टर डाटा टाइप है इसके जरिए हम ए से लेकर जेड तक के लेटर्स, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स और किसी भी सिंबल जैसे कि एट द रेट, डॉलर, कॉमा, सेमीकोलन, ब्रैकेट्स वगैरह को आप कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। और ये इसका सिंटेक्स देखिए दोस्तों, जिस तरह आप किसी भी वेरिएबल नेम को इंटीजर टाइप डिक्लेयर करने के लिए इंट के कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से किसी भी वेरिएबल को फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में डिक्लेयर करने के लिए फ्लोट के कीवर्ड का यूज करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अगर किसी वेरिएबल नेम को आप करेक्टर डेटा टाइप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए 4 के कीवर्ड को यूज किया जाता है। और दोस्तों, करेक्टर डेटा टाइप मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट तक की स्पेस को रिजर्व कर सकती है, और क्योंकि कंप्यूटर में हर एक करेक्टर 8 बिट्स यानी 1 बाइट का होता है, इसीलिए ये डेटा टाइप भी एक वक्त में एक वेरिएबल में सिर्फ एक ही करेक्टर को स्टोर करवा सकती हैं। और अगर आप मल्टीपल करेक्टर्स को एक साथ करेक्टर डेटा टाइप में स्टोर करवाना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे एक वर्ड है हेलो, जिसमें टोटल 5 करेक्टर्स मौजूद हैं, तो इस वर्ड को आप एक साथ करेक्टर डेटा टाइप के जरिए मेमोरी में स्टोर नहीं करवा सकते, बल्कि इसको स्टोर करवाने के लिए हमें 5 अलग अलग करेक्टर टाइप वेरिएबल लेने होंगे, जिसमें हर एक वेरिएबल के अंदर हमें अलग अलग वैल्यू स्टोर करवानी होगी, और फिर वो वैल्यू भी मेमोरी के अंदर भी अलग अलग लोकेशन पर ही जाकर स्टोर होगी। और दोस्तों, किसी भी अगर आप करेक्टर को किसी 4 डेटा टाइप के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस करेक्टर पर सिंगल कोटेशन मार्क का लगाना जरूरी है। जैसे अभी हमने n करेक्टर को स्टोर करवाया और इस पर सिंगल कोटेशन लगा दी, तो अब आपका कंपाइलर समझ जाएगा कि ये एक करेक्टर है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, करेक्टर डेटा टाइप में हम डिजिट्स को भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो अगर आप किसी डिजिट को एज अ करेक्टर रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं तो आपको उस डिजिट को स्टोर करवाते वक्त सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल करना होगा इस तरह से। लेकिन अगर आप इसी डिजिट को एज अ नंबर स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 4 के बजाय इंट डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे और आप यहाँ पर इसको बगैर कोटेशन मार्क के लिखेंगे। ये दोनों मेमोरी में एक ही डिजिट कंसीडर नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो तमाम डेटा को बिट्स की शक्ल में स्टोर करता है। अगर आप कंप्यूटर पर टाइप करते हैं हेलो, तो यहाँ पर जो एच है वो 8 बिट्स को, इस एच को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर में 8 बिट्स मौजूद होंगी, कंप्यूटर में 8 बिट्स पर मुश्तमिल एक कोड मौजूद होगा। बिल्कुल इसी तरह ई को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग 8 बिट्स पर मुश्तमिल 1 और 0 पर मुश्तमिल एक कोड होगा, और इसी तरीके से इन तमाम करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी कोड्स मौजूद हैं। यानी जब कभी भी आप कंप्यूटर में कोई भी अल्फाबेट, करेक्टर, नंबर या फिर सिंबल को एंटर करते हैं, स्टोर करते हैं, तो कंप्यूटर उसको इनकोड करता है बाइनरी नंबर्स के अंदर 1 और 0s की फॉर्म में। और इसके लिए कई तरह की इनकोडिंग स्कीम्स को यूज किया जाता है, जिसमें जो सबसे पॉपुलर स्कीम है वो कहलाती है ASCII स्कीम्स। और दोस्तों, ASCII 7 और 8 बिट्स के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है, और ये आपको स्क्रीन पर 7 बिट ASCII नजर आ रहा है। और 7 बिट से मुराद है कि 2 की पावर 7, यानी ये 0 से 127 तक के करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। जस्ट जो यहाँ पर आपको करेक्टर नजर आ रहे हैं ये कंट्रोल करेक्टर्स कहलाते हैं, और बाकी ये वो तमाम करेक्टर्स हैं जो कि आपको आपके कीबोर्ड पर भी नजर आ रहे होंगे, जैसे ये स्पेशल सिंबल्स हैं, ये डिजिट्स हैं, ये अल्फाबेट्स हैं, और उसके अंदर कैपिटल और स्मॉल तमाम अल्फाबेट्स आपको नजर आ रहे हैं, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए
अलग अलग डेसिमल और फिर इन डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग बाइनरी कोड्स मौजूद हैं। और जब आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कोई भी करेक्टर, तो दरअसल उस करेक्टर के बजाय उसका ASCII कोड कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे अगर आप A को प्रेस करते हैं तो A के लिए ASCII कोड है 41, जो कि आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं A, तो A के लिए आपको यहाँ पर ASCII कोड नजर आ रहा है 56। इसी तरह तमाम अल्फाबेट्स, डिजिट्स और सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए ASCII कोड्स मौजूद हैं। और डियर फ्रेंड्स, क्योंकि चार एक डेटा टाइप है जो कि एक वक्त में सिर्फ एक बाइट के वेरिएबल को, एक बाइट के करेक्टर को ही स्टोर कर सकती है, इसीलिए इसकी जो मैक्सिमम रेंज होगी, अगर आप इसकी रेंज निकालें, तो वो होगी 2n-1। तो यहाँ n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बिट्स को, क्योंकि यहाँ पर ये 8 बाइट यानी 8 बिट्स को स्टोर करती है, तो यहाँ पर n की जगह आ जाएगा 8। और अगर अनसाइंड चार्ज है तो उसकी रेंज होगी 0 से 255, और अगर साइंड चार्ज है 4 है तो उसकी जो रेंज होगी वो होगी -128 to 127। तो रेफरेंस आगे देखते हैं कि आप प्रोग्राम के अंदर प्रैक्टिकली किस तरीके से एक वेरिएबल को करेक्टर डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी वेरिएबल को करेक्टर डेटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए आप जिस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे वो कहलाता है 4। आपने यहाँ पर लिखा है 4, आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है var1 के नाम से। अब हम इसके अंदर स्टोर कराने जा रहे हैं एक वैल्यू, और हमने यहाँ पर एक अल्फाबेट यहाँ पर स्टोर किया है A। और आप जानते हैं कि करेक्टर डेटा टाइप के अंदर अगर आप कोई भी डेटा स्टोर करवाने जा रहे हैं, तो उस डेटा को जो है आपको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। ये देखिए, यहाँ पर अभी हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है। अब अगर हम इसको रन करेंगे, इस प्रोग्राम को हमने कंट्रोल एस किया और अब हम इसको रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपाइलर ने एरर जनरेट किया है कि ए अनडिक्लेयर्ड, यानी आपने ए को सही तरह से डिक्लेयर नहीं किया। अब जब हम इस एरर को दूर कर देंगे, हम यहाँ पर इसके अंदर इसको सिंगल कोटेशन मार्क में लिख देंगे, तो आपका जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट नहीं करेगा। ये देखिए, हमने इसको कंट्रोल एस कर दिया और यहाँ पर हमने कंपाइल और रन किया, तो किसी किस्म का कोई एरर जनरेट नहीं हुआ है। यहाँ एरर आप देख सकते हैं 0 है। तो इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल को करेक्टर डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसको प्रिंट करवाने के लिए आप लिखेंगे प्रिंट एफ। उसके बाद आप करेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए जिस फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं वो है %c। यहाँ पर हमने %c लिखा। इसके बाद न्यू लाइन के लिए \n, और क्योंकि ए के अंदर, क्योंकि वेरिएबल 1 के अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर की है, तो यहाँ पर हमें उस वेरिएबल का नेम देना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया var1। अब हमने इसे कंट्रोल एस किया और इसे हमने कंपाइल और रन किया, तो आप यहाँ पर एक हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, हमने सेमी कॉलन लगाया और ये हमने कंपाइल और रन किया, तो आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट आ गया है 1, यानी इसने 1 को प्रिंट करवा दिया है, जो कि वेरिएबल 1 के अंदर, var1 के अंदर हमने स्टोर किया था। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल को करेक्टर डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी वेरिएबल स्टोर, कोई भी करेक्टर स्टोर करा सकते हैं, और फिर उसको %c के स्पेसिफायर के जरिए प्रिंट भी करवा सकते हैं। दोस्तों, अभी तो हमने आपको एक करेक्टर डेटा टाइप के अंदर एक वेरिएबल दिया था उस करेक्टर टाइप का, और उसके अंदर हमने एक करेक्टर को ही स्टोर करवाया था। अब अगर हम उस करेक्टर के बजाय उसका ASCII टेबल के अंदर जो डेसिमल नंबर है वो स्टोर करवाएंगे और फिर हम उसको एज अ करेक्टर प्रिंट करवाएंगे, तो उस डेसिमल नंबर के बिहाफ पर जो भी करेक्टर होगा वो आपके सामने आपको नजर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक करेक्टर वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं 43, तो उसके बिहाफ पर जब हम उसको प्रिंट करवाएंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा प्लस। किस तरीके से, आइए डियर फ्रेंड, यहाँ आप देखिए, हमने एक वेरिएबल लिया जिसके हमने करेक्टर जो टाइप लिया है वो है 4 डेटा टाइप, यानी करेक्टर डेटा टाइप, और इसके अंदर हमने एक डेसिमल वैल्यू स्टोर की है विच इज 97। इसके बाद हमने इसको प्रिंट करवाया है और प्रिंट करवाने के लिए हमने %c का यूज किया है। अब दोस्तों, हम यहाँ पर इसको कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद जब हम रन करेंगे, तो यहाँ पर आपको शो होगा ASCII कोड के अंदर जो इस डेसिमल वैल्यू के बिहाफ पर जो करेक्टर होगा वो आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो करेक्टर शो हुआ है विच इज अ ए, और इसकी
ASCII टेबल के अंदर जो डेसिमल वैल्यू है वो है 97। आइए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर A की डेसिमल वैल्यू है 97 और A की हमने A को भी हम करेक्टर डेटा टाइप के अंदर स्टोर करवा सकते हैं और उसकी डेसिमल वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हैं। और फिर जब हम उसको प्रिंट करवाएंगे तो अगर आप 97 को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इसके लिए इंटीजर यानी परसेंट डी का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप ए को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप परसेंट सी के फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से आपको इस 97 के बिहाफ पर जो भी करेक्टर वैल्यू होगी वो आपको शो हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी करेक्टर के डेसिमल वैल्यू के बिहाफ पर उसका जो करेक्टर है वो भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं इस ASCII टेबल के जरिए। और दोस्तों इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पर करेक्टर के साथ उसकी डेसिमल वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं, करेक्टर को रिप्रेजेंट करवाने के लिए डेसिमल वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम करेक्टर्स के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल दो करेक्टर्स को हम प्लस करवा सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद या प्लस करवाने के बाद हमें रिजल्टेंट में भी कोई करेक्टर ही मिलेगा। किस तरीके से, आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर हमने तीन वेरिएबल लिए हैं CH1, CH2 और सम, और इन तीनों की डेटा टाइप है 4 डेटा टाइप यानी करेक्टर डेटा टाइप। अब CH1 के अंदर हमने एक डिजिट को स्टोर करवाया है, एक नंबर को स्टोर करवाया है, इसी तरीके से CH2 के अंदर भी हमने एक डिजिट को स्टोर करवाया है, लेकिन ये दोनों डिजिट एज अ करेक्टर स्टोर हुए हैं क्योंकि यहाँ पर आपको सिंगल कोटेशन मार्क नजर आ रहा है, तो कंपाइलर इनको एज अ करेक्टर स्टोर करेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सी लैंग्वेज के अंदर करेक्टर्स पर भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, सम करवा सकते हैं, डिवीजन करवा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो तमाम डिजिट्स हैं, ये जो तमाम करेक्टर्स हैं, इनके पीछे जो है इनके ASCII कोड्स होते हैं, इनकी डेसिमल वैल्यूज होती है। यानी अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो इसकी कोई ना कोई ASCII टेबल के अंदर डेसिमल वैल्यू होगी। इसी तरीके से 6 जो है इसकी भी कोई डेसिमल वैल्यू होगी। तो जब आप इनके अंदर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो वो दरअसल इनकी डेसिमल वैल्यूज के दरमियान होगा। अब दोस्तों आइए हम देखते हैं कि जब हम इन दो डिजिट्स को प्लस करवाएंगे तो इन दोनों डिजिट्स के प्लस करवाने पर हमें रिजल्ट क्या मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों डिजिट्स के बजाय इनके बैकएंड पर जो इनकी ASCII वैल्यू होगी, जो इनकी ASCII टेबल के अंदर डेसिमल वैल्यू होगी, वो जाकर स्टोर होगी, उनके दरमियान एडिशन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इसको परसेंट डी में देखेंगे यानी इंटीजर में देखेंगे कि इनकी वैल्यू क्या होगी ASCII टेबल में, और फिर हम ये देखेंगे कि करेक्टर उस ASCII टेबल के अंदर जो ये वैल्यू प्रिंट हुई है इसका करेक्टर क्या होगा। डियर फ्रेंड्स हम इसको पहले सबसे पहले कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करने के बाद हम इसको कंपाइल और रन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों करेक्टर्स, इन दोनों यानी डिजिट्स की वैल्यूज को यानी डेसिमल वैल्यूज को प्लस करने पर हमारे पास रिजल्ट आया है 104, और 104 ASCII टेबल में रिप्रेजेंट करता है एच के करेक्टर को। तो ये जो एच का करेक्टर है ये इस ASCII टेबल में जो डेसिमल वैल्यू है उसके बिहाफ पर जो करेक्टर मौजूद था वो यहाँ पर ये एच रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी करेक्टर के ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, तो वो उन करेक्टर्स पर नहीं होगा बल्कि उन करेक्टर्स के बैकएंड पर जो उनकी डेसिमल वैल्यूज पड़ी होंगी उस ASCII टेबल में उनके दरमियान होगा। दोस्तों हाँ, यहाँ पर हमारी इस करेक्टर डेटा टाइप का इख्तिताम हुआ, इस लेक्चर का इख्तिताम हुआ जिसमें हमने ये सीखा कि करेक्टर डेटा टाइप होती क्या है, इनको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, इनकी मेमोरी के अंदर रेंजेस क्या होती हैं, और ये कितने बाइट्स की मेमोरी को रिजर्व कर सकती हैं, यानी कितने बाइट को मेमोरी के अंदर, कितने बाइट के डेटा को मेमोरी के अंदर स्टोर करवा सकती हैं। साथ के साथ हमने ये भी देखा कि ASCII टेबल के अंदर हर एक करेक्टर की कोई ना कोई डेसिमल वैल्यू होती है, क्योंकि जब आप किसी करेक्टर को मेमोरी के अंदर स्टोर करवाते हैं तो उस करेक्टर के बजाय उसका जो डेसिमल नंबर होता है वो मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होता है, और फिर मेमोरी जो है यानी आपका कंप्यूटर जो है वो उस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करती है। तो इस तरीके से ASCII के जरिए हर एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक को विच इज टाइप कन्वर्जन इन सी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।